करते हैं मऊगंज की, जहां दो दिनों से लगातार राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक अपने भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के साथ खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जब सरकार के जिम्मेदार लोग ही कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों तो उसके क्षेत्र में क्या हालात होंगे, हम उसे समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक की, जिनकी स्वार्थी राजनीति और गुंडागर्दी से लगातार दागदार हो रही भाजपा सरकार, जिनके द्वारा दो दिनों से लगातार भाजपा के पार्षद पद के सभी प्रत्याशियों के साथ पहले पुलिस थाना में धरना, फिर उनकी सरकार के द्वारा चाक मोड़ पर खुलवाई गई शासकीय शराब की दुकान को जबरन बंद करवाने के बाद पुनः सुबह शराब दुकान पर धरना देकर दुकान बंद कराते हुए आचार संहिता का माननीय उल्लंघन कर रहे हैं, जहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। मऊगंज थाना चाक मोड़ स्थित शराब दुकान 4 में दिन भर चले ड्रामा के बाद सुबह शराब तस्करों व असामाजिक तत्वों के परिजनों को लेकर मऊगंज शराब दुकान बंद करवा कर दुकान के सामने धरना दे दिया गया है। विधायक के धरने को लेकर माना जा रहा है कि मऊगंज शराब कारोबारियों को रीवा शहर स्थित आर्या ग्रुप की अवैध शराब की खेप पुलिस के हाथ पकड़वानी महंगी पड़ रही है। सातीर शराब तस्कर अशोक चौरसिया सहित उसके गुर्गों के खिलाफ रायपुर करचुलियान और मऊगंज थाना में FIR दर्ज करवाना मऊगंज शराब कारोबारी को महंगा पड़ रहा है, जहां पर अपनी ही सरकार में हमेशा की तरह एक फिर भाजपा विधायक द्वारा किए जा रहे हाई वोल्टेज ड्रामा में प्रशासन उलझ कर रह गया है, लेकिन वह कोई हल नहीं निकाल सका है। जबकि मऊगंज की जनता बिजली पानी की विकट समस्या से जूझ रही है, पर भाजपा विधायक अपनी जवाबदेही से भागते हुए शराब दुकान के इर्द गिर्द ही नजर आ रहे हैं। Viraat 24 के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। आपने क्या बात कर पाए।